एनबीसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसन अकरम। विवादों में घिरे बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर 1994 की है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो उस वक्त इंदौर के मेयर थे, उन्होंने एएसपी यानी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमोद फलनीकर पर जूते से हमला किया था। और चूंकि उन्होंने उस वक्त प्रमोद फलनीकर पर जूते से हमला किया था, तो उनके तरीके पर चलते हुए आज उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नगर निगम अधिकारी पर बैट से हमला किया है। जैसा बाप वैसे बेटे की कहानी लिखी जा रही है। हालांकि इस तस्वीर की पूरी कहानी कुछ और ही है। प्रमोद फलनीकर ने खुद इस तस्वीर की कहानी अपनी जबानी बयान की है। इस तस्वीर की पूरी कहानी क्या है, इसका सच क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ था। बुधवार को एक वायरल वीडियो में इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय एक नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटते नजर आए। दरअसल नगर निगम अधिकारी दमोह नगर पालिका क्षेत्र में एक जर्जर मकान को गिराने पहुंचे थे। आकाश विजयवर्गीय ने उनको यह मकान गिराने से मना किया और उनको वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने उन पर बैट से हमला कर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, नगर निगम की आदत हो गई है बहुत गुंडागर्दी दादागिरी करने की, मगर हमें भी इन्हें ठीक करना आता है। अभी तो बस शुरुआत है, अब हम लोग इस पूरे भ्रष्टाचार को, इस गुंडागर्दी को और ये जो धंधेबाजी चल रही है, इसको खत्म करके ही दम लेंगे। देखिए, आवेदन, निवेदन और फिर धनादन, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। उन्होंने अपनी हरकत पर कोई अफसोस जाहिर करने के बजाय मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने धमकी के अंदाज में कहा कि आवेदन, निवेदन फिर धनादन हमारी रणनीति होगी। इसके बाद बुधवार शाम को उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और भोपाल स्पेशल कोर्ट को उनका केस ट्रांसफर कर दिया गया। आकाश के पिता कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी मध्य प्रदेश के महासचिव हैं और अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। उनसे जब बेटे की इस हरकत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसकी निंदा करने के बजाय पत्रकार के औकात पूछ दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को कायम करने की, लेकिन जब विधायक खुद बल्ला लेकर लोगों को मारने दौड़े, तो उस पर अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये काफी निंदनीय। आपको निंदा करनी चाहिए अपने बेटे की। आप जज हैं क्या? लेकिन तस्वीरें तो दिखा रही है कैलाश जी। आप जजमेंट कर रहे हैं क्या? जजमेंट बिल्कुल करेंगे। देखिए, तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है। इस देश में कानून है, सिस्टम है, आप किसी पे बल्ला नहीं उठा सकते। आप ऐसे फैसला भी नहीं दे सकते। हु आर यू? क्या है आपकी हैसियत? देखिए, आप फैसला करेंगे किसी विधायक के बारे में? मेरी हैसियत, औकात देखिए पहले। आइए कैलाश विजयवर्गीय के इस वायरल फोटो की हकीकत जान लेते हैं। इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इस फोटो की छानबीन की है, जिससे पता चला है कि इस फोटो में कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो शख्स खड़े नजर आ रहे हैं, वो उस समय इंदौर के एएसपी प्रमोद फलनीकर ही हैं, जो आजकल नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के आईजी हैं। उन्होंने खुद इस पूरे घटना को कुछ यूं बयान किया है। 1994 में इंदौर में परदेसीपुरा इलाके में पानी का संकट आया हुआ था। लोग पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसी मामले को लेकर के उस वक्त इंदौर के मेयर कैलाश विजयवर्गीय ने चक्का जाम किया था। इस मामले से निपटने के लिए एएसपी प्रमोद फलनीकर वहाँ पहुँचे और उनसे कहा कि आप चक्का जाम खत्म कर दें, मैं खुद नगर निगम अधिकारी से बात करूंगा और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय मान गए और उन्होंने चक्का जाम खत्म कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में भी पानी की समस्या खत्म नहीं हुई, तो कैलाश विजयवर्गीय ने फैसला किया कि वो नगर निगम अधिकारी के घर का घेराव करेंगे। ये जानकारी मिलने के बाद प्रमोद फलनीकर ने नगर निगम अधिकारी के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी और वो कैलाश विजयवर्गीय के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप उनके घर का घेराव नहीं करें। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने जूता अपने हाथ में ले लिया और उनसे कहा कि आपके कहने पर उस दिन मैंने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। म्यूनिसिपल ऑफिस के चक्कर लगा लगा करके जूते घिस गए हैं, अब लगता है उनके घर ही जाकर बात करनी पड़ेगी। यह कहते हुए उन्होंने धमकी दी। लेकिन प्रमोद फलनीकर ने यह भी साफ किया कि इस जूते से उन्होंने किसी की पिटाई नहीं की थी, बल्कि वो प्रमोद फलनीकर से गुस्सा नहीं थे। अगर गुस्सा थे तो वह नगर निगम अधिकारी से थे। तो ये था इस वायरल फोटो का सच। इसी तरह की और भी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी। धन्यवाद। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।